फ्री में आप खा सकते हैं। आए विजिट करें गिलगित-बल्तिस्तान को, बहुत अच्छा इलाका है, इंजॉय करेंगे यकीनन आप। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जनाब, एक्सीडेंट हो गया है, थोड़ा सा गिर गया था रास्ते में, ये देखें बाइक टूट गया है और यहाँ पंप पर भी चोट आया है थोड़े से। पीछे शेरसर लायक है, यहाँ पे पहुँच चुके हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब, ठीक ठाक खैरियत है। हम पहुँचे थे रात स्टोर, अभी रात को स्टे किया यहाँ स्टोर में, दो रूम लिए, 1000 पर रूम करेंट था अगर आप कभी इस तरफ आए तो। और ये कुछ व्यू हैं बैकग्राउंड स्टोर के, उसके बाद जा रहे हैं हम दियोसाई। अब हमारा टारगेट है आज दियोसाई, सकरदू पता नहीं पहुँचेगा नहीं, मेरे ख्याल में रात को कैंपिंग दियोसाई में होगी जी। तो जनाब ये जा रहे हैं हम चिलम चौकी की तरफ, मतलब दियोसाई, दियोसाई जाने के लिए पहले आपको चिलम चौकी क्रॉस करना पड़ेगा और अस्तोर से जाते हुए ये रास्ता है, उतराई है मतलब, और नीचे दरिया भी बह रहा है और कुछ चश्मे भी हैं ऊपर पहाड़ों से आ रहे हैं। जो ये व्यू हैं जी, जनाब ये जाने लगे हैं चिलम चौकी की तरफ, दरिया बह रहा है, दरिया के किनारे से पानी भर रहे हैं और पी रहे हैं, थोड़ा सा इंजॉय कर रहे हैं, और उसके बाद फिर जाना है दियोसाई। मौसम ठीक है, बादल बने हुए हैं, ठंड है मतलब गर्मी नहीं है खास, तो हम जा रहे हैं चिलम चौकी की तरफ से होते हुए दियोसाई, दियोसाई से फिर आगे जाएंगे सकरदू, सकरदू से फिर वापस इंशाल्लाह। वो वहाँ से भी एक छोटा सा चश्मा आ रहा है, ये दरिया है जी, थोड़ा करीब करीब ले चलता हूँ आपको, ये देखे बहुत ठंडा पानी है इसका, तो मैं यहाँ से पानी भरता हूँ, पीता हूँ और फिर चलते हैं आगे। अब हम पहुंचे हैं खुमदास और ये कुर्बानी के दरख्त है, यहाँ से हमने कुर्बानी तोड़े हैं, छापर में भरे हैं, और अब हम जा रहे हैं आगे, और साथ में बिल्कुल जो है ना ये दरिया बह रहा है और ये मेरे ख्याल में गंदम है, गंदम कास्ट किया हुआ है, तो ज़बरदस्त व्यू है। और ये कुर्बानी के दरख्त और भी बहुत कुछ है, वो उस तरफ भी है बाग पूरा, तो ये कुछ व्यू है यहाँ का, फ्री में आप खा सकते हैं, आए विजिट करें गिलगित-बल्तिस्तान को, बहुत अच्छा इलाका है, इंजॉय करेंगे यकीनन आप। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जनाब, एक्सीडेंट हो गया है, थोड़ा सा गिर गया था रास्ते में, ये देखें बाइक टूट गया है और यहाँ पंप पर भी चोट आया है थोड़े से, तो ठीक हूँ, बचत हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अब दोबारा गोप्रो को हेलमेट लगाने लगा, व्लॉग तो करने हैं जनाब, यहाँ पर आए हुए हैं तो व्लॉगिंग तो ज़रूर करनी है। ये देखें व्यू, देखें ब्यूटी, देखें और ये व्यू चेक करें, मतलब हम अपना व्लॉग तो कर रहे हैं भाई, साथ में जो छोटे छोटे लगनी थी वो तो लग गए, अब कुछ नहीं हो सकता। ये अब यहाँ पे वीडियो इसलिए बनाने लगा हूँ, यहाँ पे एक तो खूबसूरत इलाका है, उसके अलावा यहाँ पे लस्सी और आपको काफ़ी कुछ देसी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसा कि मक्खन हो गया, मेरे ख्याल में लिखा हुआ था कि देसी मक्खन भी दस्तयाब है, और लस्सी तो वो वैसे ही मैं देख रहा था कि रोड पर बंदे बेच रहे थे, दे रहे थे लोगों को कि भाई परचेज कर लें हमसे लड़के। जनाब दियोसाई नेशनल पार्क क्रॉस करने लगे हैं, ये जी इंटर हो चुके हैं दियोसाई नेशनल पार्क की तरफ। ये जी ये का हालत देखे, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखे वो गिर गया था ना, तो इस वजह से सब कुछ उल्टा पुल्टा ही हो गया है। ये जी शहद की मक्खियाँ, मतलब शहद बनाते हैं यहाँ पे,
पीछे शेवसर लायक है, यहाँ पे पहुँच चुके हैं। कैंपिंग का इरादा तो हमारा यहाँ पे था, लेकिन कुछ दोस्त हमारे आगे चले गए हैं, जिसकी वजह से मजबूरन हमें आगे जाना पड़ेगा। और फूल हैं वो भी कैप्चर किए हैं, ड्रोन शूट भी लिया है, वो भी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। लेकिन अब मजबूरी है कि भाई यहाँ पर कैंपिंग नहीं की जा सकती, जाना पड़ेगा आगे। तो फिर चलते हैं आगे, बड़ा पानी है मेरे ख्याल में, वहाँ पर जाके कैंपिंग करेंगे और इन्जॉय करेंगे। लेट्स मूव।